हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू अदर वीडियो। माई सेल्फ रौनक गुप्ता, आई एम अ कंप्यूटर ट्रेनर एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड वीडियो के बारे में, डेटा एंट्री ऑपरेटर की। आप लोगों ने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि एमएस वर्ड में ऐसे भी काम होता है। बात कर रहा हूँ मैं सेकंड वीडियो की। अगर आपने पहली वीडियो डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर नहीं देखी, जिसमें मैंने बात की थी डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, सैलरी क्या होती है वगैरह वगैरह, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाकर के देखिए। सेकंड इज, एमएस वर्ड में मैं आज बताने वाला हूं कि दो तरीके ऐसे कौन से होते हैं जिनके द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर अपना काम कर पाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स बिगिन। डेटा को समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का माहिर बनना है एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड को आपको पूरा सीखना होगा A to Z। यहाँ पे आपको होम रिबन से स्टार्टिंग करनी होती है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, सब कुछ सीखना पड़ता है, एक एक टूल सीखना होता है। अगर आपको ये टूल्स नहीं आते हैं तो इस वीडियो को जाके देखिए अभी के अभी, और इस वीडियो को जब पूरा देख लें तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में ये वीडियो आकर के दोबारा देखिएगा। बहरहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको एमएस वर्ड पूरा आता है। उसके बाद अब आपको मैं दो ऐसी कंडीशंस बताने वाला हूं डेटा एंट्री ऑपरेटर जो एमएस वर्ड में काम करते हैं। मैं आपको पहले डेटा समझाता हूं। पहले ऑप्शन के लिए, पहला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे पास एक रिजल्ट कार्ड के टाइप में एक एमएस वर्ड पे मैंने फाइल बना के रखी है। यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स आएंगे, यहाँ पे मैथ के मार्क्स, यहाँ इकोनॉमिक्स के, यहाँ साइंस के, यहाँ आर्ट के, और यहाँ अकाउंट्स के, क्या ग्रेड आएगा। टिल द एंड आपको पूरा ये फॉर्मेट मिल जाता है, लेकिन इसका डेटा कहां से लेना है उसके लिए मैंने तैयार रखी है एक एक्सेल की शीट। यहां एक्सेल की शीट है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि डेटा यहां पे है और आपका एमएस वर्ड पे ये सारा डेटा जाएगा। अब आपको ये फेचिंग आनी चाहिए जो मेलिंग में आती है। अगर आपको नॉलेज ना हो मेल और मर्ज की, मेलिंग ऑप्शंस की, तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं अभी की अभी, और इस वीडियो से ही आप समझ जाएंगे कि मेलिंग का यूज कैसे होता है। सभी सब्सक्राइबरों को और व्यूअर्स को ये तो आता होगा कि मेलिंग में रेसिपिएंट होते हैं या लिस्ट बनती है कस्टमर्स की, लेकिन ये तो एमएस वर्ड की बात है, यहाँ से तो एमएस वर्ड का डेटा फेच होगा। अब हम ये नहीं करने वाले, हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क है और हम ये सीखने वाले हैं कि एक्सेल में ये सारा डेटा एमएस वर्ड में कैसे फेच करूं, यानी कि यहाँ पे डेटा कैसे लेके आऊं। नेक्स्ट इज, आपको क्या करना होगा, बस सिंपलीफाई मेलिंग ऑप्शन में सेलेक्ट रेसिपिएंट की लिस्ट में एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करनी होगी। क्लिक करने के बाद अब आपकी यहाँ मेन पॉइंट की हेडिंग पूछी जा रही है कि आपका डेटा कहाँ है, आपने लिस्ट कहाँ बना के रखी है। तो बाय डिफॉल्ट आपको मैं बता दूं, ये मेरी जो एक्सेल की फाइल है इसका नाम ग्रेड है और ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखी है। इस फाइल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं एमएस वर्ड के लिए। बहरहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं सेलेक्ट रेसिपिएंट में, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में, उसके बाद डेस्कटॉप पे जाते हैं और ढूंढ लेते हैं अपनी फाइल को। हेयर इज माई फाइल विच नेम इज ग्रेड। ग्रेड वाली फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधे ओपन करना है। आपकी फाइल जो आपकी ओपन होगी तो एक्सेल की निगाहों में उसके पास तीन शीट है, एमएस वर्ड की निगाहों में भी उसके पास तीन शीट है, उसी एक्सेल की एक वर्कबुक में। तो अब एमएस वर्ड पूछ रहा है कि आपकी जो हेडिंग्स हैं वो कौन सी शीट में मौजूद हैं। तो आप अपनी शीट को वापस आ जाइए, देख सकते हैं आप लोग शीट नंबर 1 में मेरी सारी हेडिंग्स हैं जिसमें मेरा डेटा बना हुआ है। बहरहाल हम लोग शीट नंबर 1 पे आते हैं और उसके बाद ओके के बटन पर दबाएंगे क्लिक पर। लेकिन याद रखें, यू हैव टू रिमेम्बर दैट फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन कॉलम हेडर। कह रहा है कि जो पहली रो है उसमें सारे हेडर मौजूद हैं क्या। तो मेरे सारे हेडर देख सकते हैं आप लोग, एक नंबर वाली रो में सबके सब हेडर मौजूद हैं। बहरहाल हम लोग लेंगे शीट नंबर 1 और प्रेस कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे सारा डेटा जो ऑलरेडी फेच हो चुका है एमएस वर्ड से एमएस एक्सेल का, फिर दूसरी बार अब आप जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड में और देख सकते हैं सारी हेडिंग्स मेरी आ चुकी हैं। F11 F12 खाली हैं जिसके अंदर मैंने कोई डेटा नहीं डाला, लेकिन छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, अब आप अपनी मर्ज फील्ड पर जा सकते हैं और अपना डेटा को उठा सकते हैं। नंबर 1 हम लेंगे रोल नंबर, हम ले लेते हैं रोल नंबर। नंबर 2 हम लेंगे स्टूडेंट नेम, तो आप ले लेंगे स्टूडेंट नेम। नंबर 3 सब्जेक्ट टोटल मार्क्स, तो आप सब्जेक्ट टोटल मार्क्स ले लीजिए टोटल में से। मैथ के नंबर लेने हैं तो मैथ ले लीजिए।
लीजिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स के नंबर लेने हैं तो इकोनॉमिक्स के नंबर ले लीजिए, उसके बाद साइंस के नंबर लेने हैं तो साइंस के नंबर ले लीजिए, अब उसके बाद आर्ट के नंबर लेने हैं तो आर्ट के नंबर ले लीजिए, अब उसके बाद अकाउंट्स के नंबर लेने हैं तो अकाउंट्स के नंबर ले लीजिए, उसके बाद मर्ज फील्ड में से लास्ट रह गया ग्रेड तो ग्रेड ले लीजिए। अब आप देख सकते हैं सारी मर्ज फील्ड मैंने यूज कर ली है, यहाँ पे ये बोल्ड में आ रही है, मैं इसको बोल्ड से हटा देता हूँ कंट्रोल पी, देन नीचे भी बोल्ड में आ रही थी इसको भी बोल्ड से हटा लेता हूँ कंट्रोल पी। ये सब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मुझे सब चीजें चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, टोटल मार्क्स चाहिए, मैथ के नंबर चाहिए, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट, अकाउंट एंड ग्रेड ऑल्सो। उसके बाद ये सब चीज होने के बाद आपको क्लिक करना होता है प्रीव्यू रिजल्ट पे। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पहला जो रोल नंबर होगा जिसका नाम भानु है वो सब कुछ डेटा फेच करके लेके आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा एक रिजल्ट कार्ड तैयार हो चुका है, बट कंडीशन अप्लाई, मेरा मालिक यानी कि ओनर ये कह रहा है कि जितने भी बच्चे हैं उनका रिजल्ट कार्ड प्रिंट करके लेके आओ जल्दी से। तो आपके सामने चैलेंज ये है डेटा एंट्री ऑपरेटर पे कि ये सारा डेटा जल्दी से कैसे चढ़ाऊं और इसका प्रिंट आउट कैसे निकालूं। तो स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले आप जाएंगे फिनिश एंड मर्ज के पास और यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि सबके डॉक्यूमेंट उनके टॉपिक के साथ में सबको अलग अलग कर दूं, तो आप कर देंगे ऑल पे टिक, देन प्रेस ओके। आपका काम घंटों का सेकंडों में हो जाएगा। नंबर 1 आप देख सकते हैं पहले रोल नंबर वाला अपने टॉपिक के साथ अलग पेपर में बट गया, दूसरे रोल नंबर वाला अपने टॉपिक के साथ अलग पेपर में, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा, सब लोग अपने पेपर के साथ अलग अलग पेपर पे बट चुके हैं। आपको यही नॉलेज मैं देना चाह रहा हूं कि अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं तो आप ये काम भी सीखिए कि आप डेटा दूसरी जगह पे होता है एक्सेल में, एमएस वर्ड में कैसे फेच कराऊं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आने वाली है मैं आपको दिखाता हूँ। ये टॉपिक जो हो गया इसमें तो आपको समझ में आ गया कि मैंने कैसे बांटा है डेटा को, आप कैंसिल करिए। आपके पास मेन फाइल होगी जो भानु की होगी, मतलब पहले रोल नंबर की। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 रो खाली छोड़ी हुई है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि सर मान के चलिए भानु का नाम नहीं होता, यहाँ पे रवि का नाम था, तो हम डेटा चेंज कर देंगे रवि। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ रवि का नाम आ जाएगा। अब मैंने बोला कि यार ये रवि का नाम तो यहाँ हो गया पर एमएस वर्ड में तो भानु दिखा रहा है अभी पहले रोल नंबर में, तो एक ट्रिक आपको यहाँ पे आनी चाहिए। राइट एरो दबाएंगे आप जैसे ही तो नंबर का रोल नंबर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वापस 1 पे जाएंगे तो आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए रवि अपडेट हो गया है, वहां पहले भानु था। आप लोगों को ये चीज भी आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज इसी के लेवल पे आगे बढ़ते हुए मुझे डेटा में थोड़ी सी एंट्री और बढ़ानी है, तो मैं 1060 की जगह आगे बढ़ रहा हूँ 1070। एक नया नाम ले लेते हैं किशन, उसमें नंबर दे देते हैं 60 70 50 40 30 और आया ये टोटल मैंने नहीं लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये है फेल, उसके बाद यहाँ पे एक और रोल नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे भी नाम डाल देते हैं। फिलहाल में अब ये नाम डाल रहे हैं हम निशु और यहाँ पे डाल देते हैं 35 48 60 70 55 और ये अपने आप ही टोटल आ गया। उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बच्चे मैंने जानबूझ के फेल कर दिए हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं ऐड हुआ कि नहीं, फिलहाल में मेरा रोल नंबर है 1070, इसमें अपडेट हुआ कि नहीं, तो मैं राइट एरो दबाता हूँ, चेक कर लेता हूँ 1070 आया कि नहीं। 990, 1001, 1008 और 1060, 1070 भी आ चुका है और 1085 भी आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग फेल है बच्ची। आप लोगों को नॉलेज में समझ में आ गया होगा एमएस वर्ड एक्सेल से कि एक्सेल की शीट का डेटा एमएस वर्ड में कैसे फेच कराते हैं और अगर वहाँ एक्सेल का डेटा अपडेट भी होता है तो एमएस वर्ड में कैसे अपडेट होगा। इसके बाद अब मैं आपको दूसरा एक और तरीका दिखाता हूँ जहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर को एक सॉफ्टवेयर तरीके से बना के दे दिया जाता है डेटा एंट्री के लिए एमएस वर्ड में फॉर्म के टाइप में और आपको उस डेटा को फीड करना होता है। तो चलिए मैं अब वहां पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमएस वर्ड की बिल्कुल ब्लैंक फाइल है मेरे पास, मैं इसका थोड़ा सा पेज वेट बढ़ा लेता हूँ। अब मैं आपके सामने लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ और ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ एमएस वर्ड में डेटा एंट्री ऑपरेटर को जो फॉर्म के तरीके से बना के देते हैं। सबसे पहले वो लोग जाएंगे इंसर्ट में और टेबल में, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ, डेमो देके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे क्या क्या देते हैं वो लोग। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम, मेन हेडिंग पे आगे बढ़ जाइए मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और टोटल, ऐसे करके मैंने हेडिंग बना ली। उसके बाद आप हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए, अब देखिएगा कितनी ज्यादा टिक्नोमेट्री है। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधे जाना है इस क्विक एक्सेस टूल बार के बटन पे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है मोर कमांड में। मोर कमांड में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा पॉपुलर कमांड, यहाँ पे आपको पॉपुलर नहीं लेना है, आपको लेना है ऑल कमांड्स। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा डेटा फॉर्म, डेटा फॉर्म के नाम से ऑप्शन, तो डी से स्टार्ट होता है, आप नीचे स्क्रोल करते जाइए, ये डी पे जब आएगा
ना, मैं अपने आप ही स्क्रॉल को रोक दूंगा। देखिए आने ही वाला है, ये देखिए यहाँ पे है ये फॉर्म का ऑप्शन डेटा फॉर्म। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सीधे यहाँ ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये डेटा फॉर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोग देख पाएंगे यहाँ क्योंकि एक्सेस टूल बार पे डेटा फॉर्म का ये एक छोटा सा सिंबल यानी कि डेटा फॉर्म का एक शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। अब आपको सामने वाला यानी कि सॉफ्टवेयर वाला आपको ये क्लिक करके ये हेडिंग सारी प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आपसे बोलेगा कि सारी हेडिंग्स टाइप करनी है और एक हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर देगा पेपर के तौर पे, और ये देख देख करके टाइपिंग करवाएगा जैसे अभी करने वाले हम लोग। फिलहाल में हम देखते हैं क्या होने वाला है, चलिए मैं आपको अब करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट नेम लिख देते हैं फिलहाल में किशन, टैब दबाते जाइए। आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए और एरर की मिस्टेक मत कीजिएगा, अगर एरर आप करेंगे तो पैसे कटते हैं गलत एंट्री को एंटर करने पे। टैब दबा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। मैथ के नंबर अभी मैं फिलहाल में मन से डाल रहा हूँ, आप लोग पेपर में से देख के डालेंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, इंग्लिश के 50, हिंदी के 50, साइंस के 50, टोटल 200, आप ये सब चीज पेपर में से देख के डालेंगे। नेक्स्ट इज आपको जैसे ही एंट्री आपकी स्पीड हो जाए उसके बाद आप करेंगे क्लिक न्यू पे, ऐड न्यू पे क्लिक करते ही ये एंट्री इसमें ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद आपको दिखेगी कब, या जब आप ये कैंसिल कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिलहाल मैं एक और एंट्री टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे मैं दिखाता हूँ निशा, मैथ के नंबर 30, 30, 30 और बाकी के भी 30, और ये सारे मिला देंगे आप लोग तो 120। उसके बाद यहाँ पे अब मैं कैंसिल नहीं करता, मैं सीधे पहले करूंगा ऐड न्यू यानी कि ये ऐड हो जाए। आप लोग मेरे को यहाँ पे देख सकते हैं दो एंट्री मेरी ऐड हो चुकी है, तीसरे पे मैं चल रहा हूँ अभी। और यहाँ पे मैं इसको एक और डाल देता हूँ शिवम, यहाँ पे डाल देता हूँ 40, 40, 40 और ये भी 40 और ये कर देता हूँ 160। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है और देख पाएंगे आप लोग आपकी तीनों एंट्री एकदम से सामने आ जाएंगी। और यही होता है डेटा को एंटर करने का एक सिंपल तरीका जो डेटा फॉर्म देता है, और कई बच्चों को ये नहीं आता है, और ये सारा सॉफ्टवेयर वहां मिलता है डेटा एंट्री ऑपरेटर के काम में, तो वहां पे भी यही चीज होती है। चलिए आपको उसी में और ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब मैं डेटा फॉर्म पे क्लिक करके दोबारा पहुंचा तो यहाँ एड न्यू पे क्लिक करना है। अब आपको देखना है डिलीट करना है, रिस्टोर करना है, फाइंड करना है। डिलीट तो आपको पता होगा नॉर्मल सी है कि डेटा में हट जाएगा फॉर्म में से, फाइंड करके दिखा देता हूँ। रीस्टोर माने पहले ऐसा कर देना, फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आप जिस फील्ड में देखना चाहते हैं, स्टूडेंट नेम में जैसे ढूंढना चाहते हैं कि शिवम का डेटा दिखाओ, तो जैसे ही आप फाइंड फर्स्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे शिवम का डेटा यस करने का, अगर होगा डेटा तो दिखना स्टार्ट होगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हैं और क्लोज करके आप लोग इस डेटा फॉर्म को कंप्लीट करते हैं, ऐसे करके आप लोग मिस्टेक को भी सुधार सकते हैं। आई होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर को एमएस वर्ड में पूरे एमएस वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा उसको एक्सेल से कैसे फेच कराना होता है एमएस वर्ड में डेटा वो भी आना चाहिए, तीसरा आपको इस प्रकार से कोई टेबल बना के दे दे और डेटा फॉर्म बना के दे दे तो आपको भी उसमें टाइपिंग चाहिए, और थोड़ा सा आपको एरर नहीं करना है, एरर करोगे तो पैसे कटते हैं, ये नॉलेज आपको मिल गई होगी। आई होप फुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।